हम लोग दिल्ली की तरफ अगर आते हैं कभी भी, तो सबसे पहले फरीदाबाद पलवल के बाद एक जगह आता है कोसी कला, जहाँ से मथुरा जिला शुरू हो जाती है। उसके बाद हम लोग आते हैं छाता, छाता के बाद वृंदावन और मथुरा है। अच्छा, छाता से दो रोड गया हुआ है, एक रोड तो गया है बरसाना नंदगांव की तरफ, दूसरा है बगल में गोकुल, और ये हम लोग इस समय स्टेट हाईवे जो गोवर्धन गया हुआ है, छाता गोवर्धन रोड, उस पे है। छाता स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर आगे स्टेट हाईवे पर हमारा 500 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें सर कंप्लीट प्लॉटिंग हो रही है, ये हम लोग किस्तों पर कर रहे हैं, 50 महीने तक की किस्तों पर उपलब्ध है। सोसाइटी बना के अच्छा, हमारा जितना बिजली पानी सीवर सारा काम होना है। हमने अभी 137 एकड़ का नक्शा पास्ट है, उसमें हमारा 8 बड़े बड़े पार्क हैं, एक छठ घाट है और कम्युनिटी सेंटर है, ये राधा रानी जी की सहेली जी का मंदिर है, इनका पुनरुद्धार का काम होना है। अच्छा, बगल में आप गंगा जल संयंत्र, ये काफी बड़ा मंदिर बनना है कुल मिलाकर। हाँ, काफी मिलाकर लगभग 4 एकड़ के आसपास इनका जमीन है, राधा रानी जी का, खीर वाली माता का। अच्छा, इनका पुनरुद्धार होना है। बगल में आप गंगा जल का प्लांट का देख सकते हैं, काम हो रहा है। ये पानी का प्लांट आप अपने दाएं साइड में देखें, ये बाउंड्री काम चल गया, बाउंड्री उधर सारा इधर इलाके में सप्लाई होगा गंगा जल का, ये प्रोजेक्ट है, ये इसी हिसाब में हम लोग मिलकर काम करते हैं। और ये 500 एकड़ का टोटल प्रोजेक्ट है, ये आपका जो आप बताने जा रहे हैं 500 एकड़ का है। अच्छा, और इसमें किस्तों पर उपलब्ध है। अच्छा, तो अभी ये जो जो ये कुटिया वगैरह बनी हुई है, ये क्या है, थोड़ा सा कुछ बता पाएंगे हमारे को? ये अभी कुछ दिनों पहले क्षेत्रवासियों ने, गांव के लोगों ने मिलकर, अच्छा, मंदिर में एक कार्यक्रम किया था। लोग दूर दूर के आए थे, साधु संत लोग आए थे, उनका जमावड़ा हुआ था। हाँ, लग तो रहा है काफी बड़ा, जैसे कढ़ाई वगैरह रखी हुई है, कढ़ाई वगैरह जो रखी हुई है, परमानेंट चलता रहा था, ये लगभग 10-15 दिन का कार्यक्रम चला है। बहुत बड़े भक्त और साधु संत लोग क्षेत्र के आए थे, और वो तो ग्रामवासी लोग करते रहते हैं, सब लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम होता रहता है, और इस मंदिर के पुनरुद्धार के लिए हम सब लोग प्रयासरत हैं। अच्छा, और इसमें कुछ विशेष छूट वगैरह भी दे रहे हैं आप, ये कि या आप कुछ इस तरीके का दे रहे हैं कि जैसे आपका किस्तों पे दे रहे हूँ आप? हाँ, इसमें छूट तो डिपेंड करता है कस्टमर का मोड ऑफ पेमेंट कैसा है, कैसे कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ब्याज रहित, मतलब कोई ब्याज नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, जितने रेट पे बात फाइनल होती है, जो रेट हमारा चल रहा है उसी रेट का हम लोग किस्त बनाते हैं। 25% पेमेंट करने पे एग्रीमेंट हो जाता है। अच्छा, अगर 50% पेमेंट कर देते हैं तो उनका रजिस्ट्री हो जाता है, बाकी 50% का किस्त चलता है, और जैसा मोड ऑफ पेमेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं, जैसा चाहते हैं। अगर बीच में बाई चांस अगर बंदा ना दे पाएगा नहीं, तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी उसको? उसके लिए प्रोसेस होता है, अगर लगातार 3 महीना ना दें फिर तो जो पेनल्टी जो रहा है, लेट फाइन तो कहीं भी लगेगा ही, उससे आदमी सीरियस भी रहता है। बाकी वो डिपेंड करता है उसकी परिस्थिति क्या है, किस प्रॉब्लम किस परेशानी नहीं दे पा रहे हैं, एक बार दो बार प्रॉब्लम होता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परमानेंट कोई करेंगे फिर तो उसका जो उसके बदले उनका अमाउंट जमा है वो जमा रहेगा, आगे जब हो जाएगा एडजस्ट हो जाएगा दूसरे प्लॉट में। ठीक, बहुत बढ़िया। जय हिंद।